गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू। हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसके सूरज की किरणें कविता। आज हम पढ़ेंगे पार्ट दूसरा, हमारा भारत। पेज नंबर 8, ओपन योर बुक। हमारा भारत, हमारा देश भारत है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर, भारत के पूर्व में ब्रह्म देश और पश्चिम में अरब सागर है। हमारा भारत एक प्राचीन पुराना देश है। वेद और पुराणों में इसकी प्रशंसा में तारीफ की गई है। पुराणों में भारत की भूमि में धरती को स्वर्ग से भी बढ़कर कहा गया है। यहाँ जन्म लेने वाले लोग सभ्य को धन्य मानते हैं। भारत की भूमि पर राम और कृष्ण हुए हैं। यह शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक देव, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, महात्मा गांधी आदि महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ रहने वाले सभी भारतीय हैं। भारत एक विशाल का मीनिंग बड़ा देश है। भारत में कई प्रदेश हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि। दिल्ली भारत की राजधानी है। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार आदि दिल्ली में ही हैं। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर भारत के बड़े शहर हैं। विदेश के पर्यटक यहाँ पूरे साल भ्रमण के लिए आते रहते हैं। गर्मियों में लोग शिमला, मनाली, कश्मीर और ऊटी की सैर करते हैं। भारत में अनेक नदियाँ बहती है, गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी यहाँ की बड़ी नदियाँ हैं। भारत के तीन तरफ समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की ऊंची खाड़ी। भारत के अधिकतर लोग गांव में रहते हैं। गांव में रहने वाले लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जैसे जम्मू में डोगरी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। भारत के सभी लोग हिंदी का सम्मान करते हैं। भारत में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यह हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ दिवाली, दशहरा, होली, ईद, रक्षाबंधन, क्रिसमस, पोंगल आदि उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय उत्सव हैं। भारत के लोग अलग अलग बोलियों, वेशभूषा, खान पान और रहन सहन वाले हैं, फिर भी सभी भारतीय हैं। ये हमारी एकता है, इसलिए लोग कहते हैं कि भारत में अनेकता में एकता है। इसमें बताया गया है कि हमारा भारत एक विशाल देश है। विशाल मीन बड़ा देश है, जहाँ अनेक धर्मों की बोलियाँ, वेशभूषा, खान पान के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यही हमारी एकता है। इसमें इस धरती पर कई गुरुओं आदि कृष्ण जैसे उन्होंने जन्म लिए हैं। ठीक है, ओके। ये आप लोगों का सेकंड चैप्टर, अब करेंगे हम उनके शब्दार्थ। ओके, ओपन योर नोटबुक, दैट आर द डेट 9/6/2020। ओके, नंबर 1, प्राचीन का मीनिंग होता है बहुत पुराना। नंबर 2, प्रशंसा का मीनिंग तारीफ। नंबर 3, भूमि का मीनिंग धरती।
नंबर फोर विशाल, विशाल का मीनिंग बड़ा। नंबर फाइव पर्यटक, घूमने के लिए आने वाले लोग। नंबर सिक्स भ्रमण, घूमना। ओके, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे करना। ओके, थैंक यू।